नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 21 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। कल का सबसे पहला प्रश्न, बागजन किस राज्य से संबंधित है? तो बागजन असम से स्थित है, जहां ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक गैस का कुआं था जिसमें एक लीकेज हुई थी, उसके बाद आग लग गई थी, काफ़ी चर्चा में था पिछले माह। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडा आईयूसीएन की किस श्रेणी में आता है? तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। भारतीय गैंडा की विशेषता है कि एक सींग वाला गैंडा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में भारत ने फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट FTP माध्यम से 72,400 राइफल की खरीद की मंजूरी किस देश से की है? तो ये USA की SIG 716 राइफल्स का नाम है, ये सॉसर कंपनी है, एक SI वहाँ की USA की, उससे ख़रीदा है इसने। अब हम चलेंगे अपने आज के समाचार पत्र की तरफ। समाचार पत्र में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, UK वैक्सीन प्रमोट्स प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इन अर्ली टेस्ट। तो जो UK की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का ट्रायल कर रही थी, इसका नाम CHADOXNSAN COVID-19 वैक्सीन ऐसे करके नाम है इसका, तो इसका जो अभी ट्रायल हुआ है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसमें बताए जा रहे हैं, काफ़ी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि इम्यूनिटी काफ़ी बूस्ट कर रही है, खास करके 18 से 55 वर्ष की उम्र के लोगों के बीच में इसका प्रभाव अच्छा खासा देखा गया है। 1,000 से ज़्यादा लोगों पर इस पर ट्रायल किया गया था और अभी फर्दर ट्रायल्स के लिए जारी की जा रही है। तो मतलब शुभ संकेत हैं कि संभावतः ये वैक्सीन सफल हो सकती है। और हमारी जो एक इंडियन वैक्सीन है जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है, कोवैक्सीन नाम है इसका, इसका भी एम्स ट्रायल करने जा रहा है कोवैक्सीन वैक्सीन का। यानी कोवैक्सीन वैक्सीन किसने बनाया? भारत बायोटेक जो इंडियन कंपनी है उसने ICMR के साथ मिलकर कोवैक्सीन बनाया था, ये हमने देखा। अब अगली न्यूज़ की तरफ चलेंगे। अगली न्यूज हमारी है, 6 months लेटर आफ्टर MHA येट टू फ्रेम रूल्स ऑन CAA। तो जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था अभी पास हो गया, जिसमें जो है भारत में एक भारत की संसद ने कानून पास किया दिसंबर 11, 2019 को, जिसके अंतर्गत ये था कि जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, जिनमें पड़ोसी देश में अफगान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो माइनॉरिटी जो है, जो भी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या है, जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक कौन है, मुस्लिम को छोड़ के लगभग 3 देशों में सभी अल्पसंख्यक है, यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये सब जो भी धर्म के लोग हैं, अगर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है तो वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। इस पर काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन इसको जो संसद ने 11 दिसंबर को पास कर दिया था। तो लेकिन इसके बाद जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय को कुछ गाइडलाइंस बनानी थी जिसके बाद ही ये कानून प्रभाव में आएगा। तो अभी तक ये गाइडलाइंस बनी नहीं है, 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है कि जैसे कोई भी कानून जब संसद बना देती है तो उस कानून के लिए कुछ नियम कानून रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं कि ये जो कानून है इसके रूल्स क्या होंगे। तो उस रूल्स को जो संसद द्वारा अधिकार दिया जाता है किसी छोटी बॉडी को, उसे सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कहा जाता है। इस केस में गृह मंत्रालय को सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार दिया गया है कि जो CAA है इससे संबंधित रूल्स रेगुलेशंस बनाएं, लेकिन अभी इसने नहीं बनाया है। तो जो संसद की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी या सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, उसने जो है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री से, यानी गृह मंत्रालय से सूचना मांगी है कि भाई आप अभी तक क्यों नहीं बनाया है, क्या आप कदम ले रहे हैं। तो ये हमने देखा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के संबंध में। अगला जो है न्यूज़ है, नो पोस्टल बैलेट फॉर दोज अबव 65 ड्यू टू लॉजिस्टिक्स। तो जो बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, और इसके पहले ही इलेक्शन कमीशन ने 19 जून को एक जो है गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कहा था ये कि जो लोग भी इनकी एज 65 वर्ष से अधिक है, उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट देने को मिलेगा। पोस्टल बैलेट क्या होता है, मतलब जो हमारा पोस्ट के माध्यम से वोट देने को मिलेगा, उनको सीधे डायरेक्ट पोलिंग बूथ पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो बीमार हैं, मतलब एक उनकी उम्र ज़्यादा है और COVID-19 के इन्फेक्शन होने की भी संभावना ज़्यादा है। तो ऐसा इसलिए 19 जून को संशोधन किया था अपने इलेक्शन गाइडलाइंस में 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लिए। लेकिन अभी बताया जा रहा है जो बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें ये चीज़ नहीं लागू होगी। क्यों नहीं लागू होगी बताया ना, क्योंकि लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस के लिए, क्योंकि ज़्यादा पर्सनल की आवश्यकता पड़ेगी। और पोस्टल जो वोटिंग होती है इसमें क्या होते हैं, जो पोस्टल जो वोटिंग के कर्मचारी होते हैं घर घर जा के इस वोट्स को कलेक्ट करना पड़ता है, जो काफ़ी टफ टास्क होगा। और अभी कोरोना को देखते हुए इतना लॉजिस्टिक्स नहीं है, इसलिए इस प्लान को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर केवल जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उन्हीं को ही पोस्टल सर्विसेज अवेल करने को ऑफर मिलेगा। अगली न्यूज है, ऑफर्स फॉर सपोर्ट पोर इन तमिलनाडु ट्राइबल गर्ल। तो तमिलनाडु की एक जो ट्राइबल गर्ल है, उसने इनका नाम है धेवानी, तो इन्होंने अपनी
स्कूल में अपने विद्यालय में 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है, जिसके बाद जो जो अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं इनको ऑफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन के लिए। उनमें से एक कॉलेज है वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काफ़ी जो है रिनाउंड यूनिवर्सिटी है ये, इसको VIT जिसको हम लोग जानते हैं। इसने कहा है हम इनको फ्री कोर्सेज कराएंगे, चाहे वो BCom करना चाहें या BBA करना चाहें। तो वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक प्रोग्राम चलता है सपोर्ट द एडवांसमेंट ऑफ रूरल स्टूडेंट्स, यानी स्टार्स इसको बोलते हैं। इस प्रोग्राम के तहत इस इनको जो है फ्री शिक्षा देने के लिए, किताबें, रहने के आवास, जो भी खर्च आते हैं सभी देने की बात कर रही है VIT ने। तो ये हमने देखा। अब हम देखेंगे अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़, गवर्नमेंट टोल टू रिप्लाई बचपन बचाओ आंदोलन प्ली। तो जो दिल्ली के विवेक विहार एक जगह है, वहाँ पर एक इंडस्ट्री में, एक फैक्ट्री में लगभग 12 लोग मतलब चाइल्ड लेबर्स को काम करा रहे थे, जिसके बाद लगभग 10 बच्चों को मतलब पाया गया कि जो चाइल्ड थे, बिलो एज 14 थे, उनको काम कराया जा रहा था। इसके बाद ये बचपन बचाओ आंदोलन, एक कैलाश सत्यार्थी जी जो हमारे पुराने नोबल पुरस्कार विजेता हैं, उनका NGO है बचपन बचाओ आंदोलन। तो इनके ही मतलब अपील करने के बाद जो है ये रेड डाली गई थी, जिसके बाद 10 बच्चों को बचाया गया और उसके बाद इनको मुक्ति आश्रम, जो बचपन बताओ आंदोलन का बच्चों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर है, उसमें इनको रखा गया। तो अब इनका जो स्टेटमेंट बच्चों का लिया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की बचपन बचाओ आंदोलन के जो हेड हैं कैलाश सत्यार्थी जी ने, इन्होंने ये कहा कि जो बच्चे हैं इनको रोज़ ले जाया जाता है, ले आया जाता है पुलिस स्टेशन, इनको इनका स्टेटमेंट जारी करने के लिए, स्टेटमेंट इनका जो है नोट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, इसके बजाय इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टेटमेंट इनका रिकॉर्ड किया जाए, ना कि इनको फिजिकली ले जाया जाए। तो क्योंकि संक्रमण की भी संभावना इससे रहती है और बच्चों को मतलब परेशानी भी होती है, उनके मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, उनको बार बार पुलिस का सामना करना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनका रिकॉर्ड किया जाए स्टेटमेंट। तो ये हमने देखा यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो चाइल्ड लेबर हमारे यहाँ बैन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत चाइल्ड लेबर को मना किया गया है, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हम इसका इंतजार करेंगे। और दूसरी चीज़ हमने देखा बचपन बचाओ आंदोलन किसका NGO है, या आपका कैलाश सत्यार्थी जो नोबल पुरस्कार विजेता है, शांति पुरस्कार विजेता है नोबल के, इनका NGO है। अब हम अगली न्यूज आर्टिकल देखेंगे जो कि संबंधित है आपकी जो कोरोना के ट्रीटमेंट से। तो उड़ीसा ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि जो भी उनके यहाँ डॉक्टर्स या फिर जो और भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डॉक्टर्स होंगे उनको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा जितने दिन वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ काम करेंगे, और जो मिडवाइफ्स या असिस्टेंट होंगे डॉक्टर्स के साथ उनको 500 रुपये, और जो अदर जो है जो पैरामेडिक्स होंगे उनको 500 रुपये, जो अदर असिस्टेंट वर्कर्स होंगे उनको 200 रुपये। तो ये एक रिवार्ड दिया जाएगा कि वो इतना रिस्की जॉब कर रहे हैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ, तो इससे उनका मोरल हाई रहेगा, यानी उनका जो इच्छा शक्ति है मजबूत रहेगी। तो काफ़ी अच्छा कदम उड़ीसा ने उठाया है, इसको और भी प्रदेश इसको कॉपी कर सकते हैं। अगली न्यूज़ आर्टिकल है फर्स्ट टू यूनिट्स स्टार्ट ऑपरेशंस एट JNPT SEG। तो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, इसने ये एक बंदरगाह है मुंबई के पास, न्यावा सेवा बोलते हैं या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, शॉर्ट में इसको JNPT बोलते हैं। तो इसने अपने आसपास स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश की है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है कि मतलब जो इस बंदरगाह के आसपास का कुछ क्षेत्र होगा वहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं किया है इसने, जैसे विद्युत की व्यवस्था हो गई और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड कनेक्टिविटी हो गई, ट्रांसपोर्ट के लिए इजीली जो है मतलब बंदरगाह तक वहाँ तक के सामान लाया जाए, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए, जिससे कि ऐसी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न की अपने बंदरगाह के आसपास जिसकी वजह से उसके आसपास आर्थिक प्रगति काफ़ी हो। तो इसे बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जो अभी JNPT के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें से 2 यूनिट्स काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। तो ये अभी न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी बात है, इससे हमारी आर्थिक प्रगति होगी हमारे देश की, और ये मॉडल भी काफ़ी अच्छा मॉडल है। एक चीज़ हम और जानेंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बारे में, वो ये है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है सबसे ज़्यादा कंटेनर हैंडल करने वाला बंदरगाह है हमारा। कंटेनर क्या होते हैं, जो बड़े बड़े कार्गो सामान के डिब्बे होते हैं उन्हें कंटेनर कहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करने वाला, माल हैंडल करने वाला बंदरगाह हमारा कौन सा है, JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये मुंबई के पास स्थित है। ये चीज़ हम देखेंगे नवी मुंबई के पास। अब अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ हम चलेंगे। तो अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारा है इंडिया विल नेवर बी पार्ट ऑफ एन अलायंस सिस्टम जयशंकर। तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं इन्होंने जो है एक मतलब एक
उसमें एक कार्यक्रम में इन्होंने बताया, जब इनसे पूछा गया कि क्या ये इंडिया किसी पार्ट को ज्वाइन करना चाह रहा है, जैसे कि अमेरिका काफ़ी नज़दीक दिख रहा है, तो इन्होंने स्पष्ट किया कि भारत हमेशा से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो है अग्रणी नेतृत्व करता रहा है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हम जानेंगे क्या है, ये आपका 1950 के दशक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है नेतृत्व कर किया गया था, इसका गठन किया गया था। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, इसके सामने ये चुनौती थी कि विश्व में उस समय दो धड़े थे, एक USA था, एक रूस था। तो भारत USA की तरफ जाए या USSR यानी रसिया के ग्रुप की तरफ जाए, तो किसी की तरफ भी जाएगा तो उसे दूसरी तरफ जो है मतलब चुनौती झेलनी पड़ेगी। और हालांकि भारत अभी जल्द ही आज़ाद हुआ था, तो भारत किसी के गुट में नहीं जाना चाहता था, तो इसीलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें नए देश जो भी नए नए स्वतंत्र देश हुए थे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। तो भारत की हमेशा विदेशी पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पॉलिसी रही, यानी गुट निरपेक्षता का सिद्धांत रहा है। तो उसी बात पर इन्होंने कहा है कि वर्तमान में हम भी अभी भी गुट निरपेक्षता का सिद्धांत को पालन करते हैं, हम जो है किसी भी सदस्य किसी गुट के सदस्य नहीं होने जा रहे हैं किसी भी समय, भविष्य में भी कभी नहीं होंगे। तो अभी इनसे और पूछा गया कि चाइना के रिलेटेड अब मतलब कैसे चाइना से इंडिया पीछे रह गया, क्या कारण थे उसके, तो अभी इन्होंने बताया कि जो हम चाइना है और साउथ ईस्ट एशिया है, हम इससे बेहतर कर सकते थे, लेकिन जो है समय पर हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पुश नहीं किया, नहीं उसको सपोर्ट नहीं किया, और मतलब दशकों बाद जो है चाइना के दशकों बाद हमने जो है पूरा रिफॉर्म किया, इससे पहले ही चाइना ने रिफॉर्म कर लिया था अपने आर्थिक क्षेत्र में, जिसकी वजह से चाइना आज हमसे आर्थिक प्रगति में आर्थिक क्षेत्र में आगे है, हालाँकि हम अभी उसको ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं। अगली न्यूज़ है, इंडियन एयरफोर्स टू इंडक्ट 5 राफेल्स ऑन जुलाई 29। तो जो इंडियन एयरफोर्स है इसने राफेल विमान का जो है टेंडर दिया था फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी को, तो अभी वो उसका जो पहला मतलब टेंडर का पहला पार्ट है वो 5 राफेल फाइटर जेट्स हमारे पास 29 जुलाई को आ जाएंगे, जो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है वहीं पर उसको नियुक्त किया जाएगा, ऐसे सारे राफेल फाइटर्स को जो 5 अभी आने वाले हैं। और इसके साथ ही मेट्योर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी हम ले रहे हैं। तो मेट्योर इसका नाम है, बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब क्या होता है कि जो हमारी आँख से इतना दूरी दिखता है उससे ज़्यादा दूर तक भी इसकी मारक क्षमता होगी, यानी वायु से वायु में इसकी मारक क्षमता होगी, जो हमारे आँख से नहीं दिख रहा है उसके रेंज से बाहर भी इसकी मारक क्षमता होगी। तो ये काफ़ी से इससे इंडियन एयरफोर्स की क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी आएगी, बूस्ट आएगा, ये चीज़ हमने देखा राफेल फाइटर जेट्स के बारे में। अगला न्यूज आर्टिकल है, वायरस हैज़ क्लेम्ड लाइव्स ऑफ 104 डॉक्टर्स अक्रॉस कंट्री। तो जो कोरोना वायरस है इससे अभी तक लगभग 104 डॉक्टर्स की जान जा चुकी है, ये एक सर्वे में देखा गया है, और जो ऑफिशियल डाटा अभी कोई अवेलेबल नहीं है इसके लिए, लेकिन जो सर्वे के दौरान पाया गया है 104 डॉक्टर्स है, मतलब कि चीज़ें कि कोरोना वायरस की गंभीरता को इसमें दिखाया गया है कितना ये गंभीर है। अब हम अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ चलते हैं, ईरान टू कंटिन्यू वर्क विथ इंडियन चाबहार लाइन रेलवे चीफ। तो जो हमारे रेलवे चीफ है उन्होंने बताया है कि ईरान से जो अभी अफवाह उड़ी थी कि जो जाहेदान से चाबहार रेलवे लाइन हमारी बिछ रही है ईरान में, उससे भारत का जो टेंडर है उसको कैंसिल कर दिया गया है, तो हम पूरी बात जानेंगे। तो जो चाबहार बंदरगाह ईरान में है वो किसने डेवलप किया है, उसके दो टर्मिनल्स को इंडिया ने डेवलप किया है, तो इंडिया ने जो उन टर्मिनल्स को डेवलप किया है तो वहाँ से एक रेलवे लाइन भी जानी थी जाहेदान, एक शहर है ईरान का, जाहेदान अफगानिस्तान की सीमा के पास पड़ता है, तो वहाँ से रेलवे लाइन जानी थी जिसके माध्यम से हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया से कनेक्शन कर पाते भारत का, तो इससे हमारा ट्रेड बूस्ट होता। तो अभी जो है पिछले सप्ताह ही लगभग ईरान की रेलवे ने मतलब लाइन बिछानी प्रारंभ कर दी थी, तो ये आई बातें सामने आई कि भारत का जो प्रोजेक्ट था इसको भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है। लेकिन अभी जो हमारे रेलवे चीफ है उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि 2016 में जो MOU साइन हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ईरान यात्रा पर गए थे, हालांकि कोई अभी मतलब MOU तो साइन हुआ था लेकिन ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं हो पाया था जाहेदान रेलवे चाबहार जाहेदान रेल एग्रीमेंट पे, लेकिन अभी भी ईरान ने कहा है कि हम भारत के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, यानी कि हम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि अभी इस प्रोजेक्ट से ये बाहर नहीं हुआ है। और क्या न्यूज़ रहेंगे इससे रिलेटेड हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये जाहेदान चाबहार रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। अब हम अपने अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ चलेंगे, वारशिप्स मीट US स्ट्राइक ग्रुप। तो जो साउथ चाइना सी क्षेत्र है आप मानचित्र में इसको देख रहे होंगे,
उम्मीद करता हूँ। तो जो साउथ चाइना सी क्षेत्र है वहाँ पर चीन अपना दबदबा बना रहा है, और फिलीपींस वियतनाम जैसे छोटे देशों का जो स्पेशल जो उनका सी मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पर समुद्र में उस पर कब्जा कर रहा है। तो जिसके बाद यूएसए ने उसको इलीगल बताया और यूएसए ने अपनी वॉरशिप्स भी भेजी थी। तो यूएसए का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका नाम है यूएसएस निमिट्ज़। तो ये यूएसएस निमिट्ज़ जब वापस लौट रहा था अभी साउथ चाइना सी से, जब इंडियन ओशन में पहुंचा, तो इंडियन ओशन के जो तो इंडिया के कुछ जो है जो हमारे जलयान हैं, जैसे INS शिवालिक, सह्याद्री, कामोत्रा, राणा, इन जलयानों, चारों जलयानों ने इनके इस यूएसएस निमिट्ज़ के साथ पैसेज एक्सरसाइज की। तो पैसेज एक्सरसाइज क्या है, जैसे आपके घर में अतिथि आते हैं तो आप उनको घर तक छोड़ने जाते हैं, अपनी जो गली होती है वो तो क्रॉस कराने जाते हैं। तो ऐसे में इसी को ही पैसेज एक्सरसाइज है। यानी इस पैसेज एक्सरसाइज में क्या होता है कि जब किसी दूसरे देश का जलपोत हमारे जल क्षेत्र से होकर गुजरता है, तो उसके साथ हमारे जलयान जो हैं उसका सहायता करते हैं, उसका मतलब पैसेज आधे रास्ते में उसका साथ जाते हैं। तो इसे ही पैसेज एक्सरसाइज कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जल इस समय जो जल शक्ति है काफ़ी महत्व रख रही है अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करने में। तो भारत भी इसमें काफ़ी सक्रियता से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, विभिन्न देशों से कोलैबोरेट करता है, कई नौसेना अभ्यास भी कर रहा है। हमने कल भी देखा था मालाबार अभ्यास इंडिया कर रहा है, किसके साथ, यूएसए जापान के साथ इंडिया कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल करने की बात चल रही है। तो ये चीज़ हमने देखा इसमें। और एक चीज़ और हम जानेंगे, अभी जैसे एंटी पायरेसी पेट्रोल्स के नाम पे, यानी कि जो लूटपाट होती है समुद्री लुटेरों के जो है उनकी ऐसे ना हो, इसके बहाने इंडिया ने काफ़ी देशों पर मतलब समुद्र में काफ़ी गश्त भी लगाना प्रारंभ कर दिया है। तो समुद्र शक्ति काफ़ी विस्तार किया है। 2017 में चीन ने अपना पहला जो है अपने देश के बाहर पहला मिलिट्री बेस बनाया जिबूती में चीन ने। ये जीएस के मुझसे मतलब से इम्पॉर्टेंट काफ़ी न्यूज हो सकती है, क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि चीन का देश के बाहर पहला मिलिट्री बेस कहाँ पर है, जिबूती। जिबूती आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट सकता है। अगली न्यूज, टफ न्यू ई कॉमर्स रूल्स किक इन नेक्स्ट वीक। तो अभी क्या है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका 2019 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले था उनमें संशोधन हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अब 2019 में नया एक कानून आया है। इस कानून में जैसे कुछ चीज़ें जो पहले के पुराने के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पहले का था, उसमें जैसे ई कॉमर्स कंपनियाँ, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं आती, क्योंकि जब ये कानून बना था तब ई कॉमर्स होता ही नहीं था। तो अभी इन सब चीज़ों को शामिल करने के लिए इसमें संशोधन किया गया, जिसके बाद ये कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हो गया। अब इसमें क्या क्या नई चीज़ जोड़ी गई हैं, तो ई कॉमर्स संबंधी प्रावधान भी जोड़े गए हैं, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कंपनी जो भी ई कॉमर्स की होंगी, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न आपकी हो गई, जियो मार्ट वगैरह हो गई, ये सारी कंपनी जो है क्या करेंगी, जो भी रिटर्न संबंधी है, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट वे पेमेंट, या फिर जो भी कोई समस्या है, इन सारी जानकारियों को स्पष्ट रूप से अपने पोर्टल पर मेंशन करेंगे। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट किस देश का है, कंट्री ऑफ ओरिजिन नॉर्म्स जो है उसको भी उस पर मेंशन करेंगे, ताकि यदि कोई किसी कंट्री का प्रोडक्ट खरीदना चाहे नहीं ना चाहे, तो कस्टमर अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए निर्णय ले सके। और जो है ये बताया है कि कोई भी अगर शिकायत आती है तो 48 घंटे के अंदर उसको संज्ञान में लेना होगा, और 1 महीने के अंदर उसका निदान करने की आवश्यकता होती है। ये भी बताया गया है कि जो विक्रेता होंगे वो अपने वस्तुओं को लेने से अगर उसमें कोई डिफेक्ट पाया जाता है, कोई इसमें गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसको वापस लेने से या फिर रिफंड करने से जो है मना नहीं कर सकते, कतरा नहीं सकते। और ई कॉमर्स कंपनियों को भी इस कानून के अंतर्गत रोका गया है, मना किया गया है कि आप जो है किसी वस्तु का मूल्य जो है घटा बढ़ा नहीं सकते, आप बैड प्रैक्टिसेस नहीं करते। तो ये हमने देखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 के बारे में, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत बनाया गया है, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, लीगल से संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में। अगला न्यूज आर्टिकल है AI यूनियंस अगेंस्ट फर्लॉ स्कीम। तो जो एयर इंडिया है, हमने कई बार देखा कि काफ़ी घाटे में चल रही है, जो हमारा भारत की सरकारी विमानन कंपनी है एयर इंडिया, काफ़ी ज़्यादा घाटे में चल रही है। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि इसको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए कम्प्लीटली, यानी बेच दिया जाए प्राइवेट किसी व्यक्ति को, 100% डिसइन्वेस्टमेंट। तो अभी इसमें यह भी समस्या है कि इतने इसमें कर्मचारी हैं, इतने कर्मचारियों का बोझ कौन लेना चाहेगा, किस वजह से भी इसकी बेचने में बाधा आ सकती है। तो अभी एयर इंडिया
इंडिया ने एक स्कीम चलाई लीव विदाउट पे स्कीम, जिसके अंतर्गत ये कहा कि जो भी कर्मचारियों को ज़बरदस्ती कंपलसरी लीव दे दिया जाएगा, छुट्टी दे दी जाएगी 6 महीने से 2 साल के लिए, और इसको 5 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, कर्मचारियों की संख्या कम हो जाएगी और जो एयर इंडिया है इस पर बोझा कम हो जाएगा। तो इससे जो होगा, इससे बिकने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि घाटा जो रहेगा प्रतिवर्ष ये कम होने लगेगा, इससे प्राइवेट कंपनियां खरीदने के लिए आकर्षित हो सकती हैं। तो इसके खिलाफ अभी जो एयर इंडिया के कर्मचारी संघ है वो जो है बढ़ के जो है उन्होंने सिविल एविएशन मिनिस्टर्स को जो और मैनेजमेंट डायरेक्टर्स हैं उनको जो है पत्र लिखा है प्रोटेस्ट करते हुए। तो बताया है ये कि भाई जो निचले कर्मचारी हैं इनकी क्या गलती है, अगर एयर इंडिया नुकसान में है तो ये तो अपना काम पूरा तन मन धन से कर रहे हैं, गलती है तो जो टॉप ऑफिशियल्स हैं जिनकी मैनेजमेंट की वजह से सारे लॉस में हैं उनकी गलती है, और 25% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टॉप ऑफिशियल्स ही हैं, उनको आप हटाइए, हम लोगों क्यों हटा रहे थे, ये अभी जो है अपना विरोध दर्ज कराया है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय जगत से न्यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ है यूके टू सस्पेंड एक्सट्राडिशन ट्रीटी विथ हांगकांग। तो अभी हांगकांग में जब चाइना ने नया सिक्योरिटी लॉ पास कर दिया जिसके अंतर्गत चाइनीज़ मिलिट्री भी चाइनीज़ पुलिस भी जाके हांगकांग में एक्ट कर सकती है, और हांगकांग का कोई दोषी चाइनीज़ न्यायालय में उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, यानी कि हांगकांग की स्वायत्तता को चीन अपना कब्जा कर रहा है, उस पर कंट्रोल कर रहा है। तो अभी इसका प्रभाव इसी के जो है प्रभाव के चलते यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने जो एक्सट्राडिशन ट्रीटी था हांगकांग से उसको कैंसिल कर दी। एक्सट्राडिशन ट्रीटी क्या है, एक्सट्राडिशन ट्रीटी का मतलब ये हुआ कि हांगकांग का कोई दोषी अगर जाके ब्रिटेन में छिपा हुआ है तो ब्रिटेन उसको पकड़ के हांगकांग को वापस कर देगा, और ऐसा ही अगर ब्रिटेन का कोई दोषी हांगकांग में छिपा है तो हांगकांग वाले ब्रिटेन को वापस कर देंगे। तो ये दो देशों के बीच में एक्सट्राडिशन ट्रीटी होती है। लेकिन अभी जो हांगकांग पे चीन का कंट्रोल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, चीन उसको दबाना चाह रहा है उसकी स्वायत्तता को, इस वजह से इस ट्रीटी को यूके ने कैंसिल कर दिया है। और आपको बताना चाहूँगा मैं कि जो इससे पहले कुछ कदम भी लिए हैं, जैसे कि आपका यूके ने कहा है कि जो भी हांगकांग के निवासी चाहते हैं मतलब वो हमारे देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं आसानी से, और हुवेई कंपनी जो चीन की है उसको भी 5G से बैन कर दिया है ब्रिटेन ने। तो इसके पहले भी जो है इन्होंने कदम उठाए हैं हांगकांग के संबंध में। अगली न्यूज़ आर्टिकल है पाकिस्तान रिज्यूम्स एंटी पोलियो ड्राइव। तो जो पोलियो है, पाकिस्तान ने अभी पोलियो की वैक्सीन पिलाना फिर से प्रारंभ कर दी है। पाकिस्तान में कुछ केसेस हैं अभी पोलियो के, भारत हालांकि पोलियो मुक्त हो गया है। तो अभी पाकिस्तान में क्योंकि COVID-19 था इसकी वजह से जो पोलियो की वैक्सीनेशन था, पोलियो ड्राइव पिलाने का कार्यक्रम था, वो रोक दिया गया था, लेकिन अभी इसको फिर से रिज्यूम किया जा रहा है। अगला न्यूज़ आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम इसको देखेंगे गंभीरता से। जो इसमें बताया गया अरब होप प्रोब टू मार्स टेक ऑफ फ्रॉम जापान। तो अरब यानी खाड़ी देशों का सबसे पहला जो अंतरिक्ष मिशन है वो लॉन्च किया गया है अभी किस देश के द्वारा, यूएई देश के द्वारा, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूएई देश ऐसा पहला खाड़ी देश है जिसने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना मिशन लॉन्च कराया है। इसका नाम है होप प्रोब, होप मिशन। तो होप मिशन का कार्य क्या होगा, ये मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ये 2021 में जाके मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना आपको, दो मिशन और हैं अभी 2020 के लिए ही, तियानवेन वेन वन ये चाइना का है और मार्च 2020 ये यूएसए का है। ये दोनों मिशन जाके मंगल ग्रह पर लैंड करेंगे, यानी मंगल ग्रह कर की धरती पर जो है उतरेंगे। लेकिन जो ये होप प्रोब मिशन है यूएई का, ये उतरेगा नहीं, केवल उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये यूएई का मिशन है और पहला खाड़ी देश का मिशन है जो किसी अंतरिक्ष संबंधी मिशन किसी ने लॉन्च किया है, और ये जापान के स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, ये भी आपको ध्यान देना है। फरवरी 2021 में ये पहुंचेगा, ये एक विशेष न्यूज हो गई। तो ये चीज़ें हमने देखी अभी। तो अभी क्या है ये सारी चीज़ें, अभी खास बात क्या है, इस जो टाइमिंग है टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय पृथ्वी के जो मार्स है मंगल ग्रह सबसे निकट है, तो सबसे आसान रहेगा, कम से कम ऊर्जा में हम अपने मिशंस को लॉन्च कर सकते हैं। इसलिए हमने देखा कि कई मिशंस बारी बारी से ही तय हुए हैं। तो हमने देखा होप प्रोब मिशन के बारे में जो यूएई का मिशन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको गौर करना है और ये पूछा जा सकता है आने वाली परीक्षाओं में। अब हम चलेंगे अपने अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ, श्रीलंका टू रिसर्च रामनास एविएशन रूट्स। तो श्रीलंका के जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसने निर्णय लिया है कि जो रावण था हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भगवान राम जिसने राम ने जिसको मारा था जो रावण एक दैत्य कहा जाता है, उसका जो एविएशन रूट यानी कि कहा जाता है उसके पास विमान था, दंड मोनार उसका विमान का नाम था।
तो उसका प्रयोग करते हुए वो ना कि केवल श्रीलंका बल्कि दूसरे देशों में भी वो यात्रा करता था। तो जो अभी श्रीलंका की एविएशन मिनिस्ट्री है उसने जो है नोटिस जारी की है, जिसको भी मतलब इन सब माइथोलॉजी के बारे में जानकारी हो, जो भी स्टोरीज हो हमको बताएं। तो उद्देश्य क्या है कि जो श्रीलंका चाहता है कि जो रावण की एविएशन रूट यानी किन किन रास्तों से वो हवाई यात्रा करता था उन रास्तों का रहस्य जानना चाहता है और उसके बारे में और स्टडी करना चाहता है। हो सकता है कुछ उसमें दम हो, अगर उससे कुछ फ़ायदा भी लिया जा सके। तो हम आपको बता दें कि रावण को तो भारत में और अन्य जगह ही दैत्य माना जाता है, लेकिन जो श्रीलंका है और दक्षिण के हमारे भारत के राज्य हैं जैसे तमिलनाडु राज्यों में उसको एक बहादुर राजा के रूप में देखा जाता है। यही कारण रहा है कि जो श्रीलंका का पहला स्पेस मिशन है, पहला स्पेस सैटेलाइट है, उसका नाम है रावण 1 नाम रखा गया है। तो ये हमने देखा श्रीलंका और रावण के बारे में। अगली न्यूज़ आर्टिकल है डोंट रिडीम द तालिबान अर्जेज अफगान। तो अफगान ने अभी देखिए जो तालिबान एक आतंकवादी संगठन था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था अफगानिस्तान का, वो शांति वार्ता की तरफ बढ़ रहा है, जो सरकार से शांति वार्ता करके बाद में सरकार में हिस्सा ले सकता है। तो कुछ अफगानियों ने वहाँ के जो अफगान नागरिक हैं उन्होंने ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया है, इसके बाद उन्होंने निवेदन किया है कि प्लीज़ आप लोग तालिबान को फिर से सत्ता में लाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि हमने देखा है 2001 में जब तालिबान की सत्ता थी 2001 के पहले तो किस तरह से वो मानव अधिकारों का उल्लंघन करते थे, मानव अधिकारों का रेस्पेक्ट नहीं करते थे, महिलाओं को ज़बरदस्ती बुरका पहना जाता था, उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था और जो पुरुष रहते थे उनको दाढ़ी रखना ये सारी चीज़ें कंपलसरी थी। तो जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उनको ही ये लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग तालिबान को वापस मुख्यधारा में मत लाइए, इसको इग्नोर करिए, इसको शामिल मत करिए। अगली न्यूज़ है इकोनॉमिक सेक्टर से, IL&FS बोर्ड अनवील्स रोड मैप टू सेटल 57,000 करोड़ डेट। तो IL&FS कंपनी है जो काफ़ी घाटे में चली गई थी, तो अभी इसने 57,000 करोड़ रुपए का जो ऋण है उसको अपने एसेट्स को बेच कर वापस करने का निर्णय लिया है, जिससे आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी सहायता मिलेगी। इंडिया एम्स टू पेयर PSU बैंक अकाउंट टू जस्ट 5 सोर्सेज। तो भारत ने निर्णय लिया है कि कुछ स्रोतों से पता चला है कि जो पब्लिक सेक्टर की बैंक्स हैं उनको घटाकर केवल 5 कर दी जाएगी। वर्तमान में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो इतनी ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स होने का कोई मतलब नहीं होता है, और खास करके कुछ बैंक्स हैं जो घाटे में भी चल रहे हैं, वो अच्छा काम भी नहीं कर रही हैं। तो अभी इससे पहले पिछले वर्ष ही लगभग 10 जो पब्लिक सेक्टर की बैंक्स थी उनको मर्ज करके 4 में बदल दिया गया, लेकिन अब जो है जो शेष 12 बैंक हैं इनमें से लगभग आप देखेंगे तो मतलब 4-5 बैंकों को छोड़ के बाकी सभी को मतलब बेच दिया जाएगा प्राइवेट कंपनियों को। इससे हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है सीमित होगा, प्राइवेट का हस्तक्षेप बढ़ेगा, और जो है मतलब जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो रीज़न है वो कम होगा तो अच्छे से काम कर सकेंगे, प्रॉफिटेबल भी रहेगा। अगला न्यूज़ आर्टिकल हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट वांस अगेन AGR ड्यूज रीअसेसमेंट। तो जो एग्रीगेटेड ग्रॉस रेवेन्यूज है AGR जिसे बोलते हैं, जो टेलीकॉम कंपनी जैसे भारती एयरटेल हो गया आपका, वोडाफोन आइडिया जियो, इन सब का जो डेफिनेशन में अंतर था, ये जो कोई चीज़ जो इनका टैक्स देना होता है अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, गवर्नमेंट का जो ये डाटा प्रयोग, गवर्नमेंट का जो ये सेटेलाइट प्रयोग करती है, उसे चीज़ प्रयोग करती हैं, उनको लाइसेंस फीस वगैरह देनी होती है। तो इसमें एक केस चल रहा था जिसके बाद जो है अब इन कंपनियों को मिलाकर लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये देना होगा सरकार को। तो लेकिन ये समस्या भी आई, अगर इतना पैसा ये कंपनी सरकार को दे देंगी तो ये कंपनियाँ खुद ही जियो के आने के बाद इतना घाटे में है कि खुद ही घाटे में चली जाएंगी। तो अभी सरकार ने इनको लगभग बताया है 15 से 20 साल के बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप देना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मतलब चेतावनी दी है आप इन आर्डर को आदेश को घुमा फिरा के नहीं पेश करेंगे, आप इसको स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि पैसे को कम नहीं करना है और निश्चित समय में ही पे करना है। अगली न्यूज अमेजन अर्ज टू ब्रिंग ग्लोबल इंसाइट्स टू हेल्प इंडियन सेलर्स। तो एक जो है एक लॉन्च हो रहा था अमेजन इंडियाज एक्सपोर्ट डाइजेस्ट 2020 एक कार्यक्रम था, जिसमें हमारे जो MSMEs के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने अमेजन से निवेदन किया है कि भाई जो आपका अमेजन का ग्लोबल सेलिंग प्लेटफॉर्म है, प्रोग्राम है, तो आप उससे जो भारत की जो MSME छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बताइए कि विश्व को क्या चाहिए, कौन से पैमाने पे चाहिए, कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, तो हम लोग उसको बनाएंगे और आप हमको उसको विश्व स्तर पर बेचने में मदद करें। तो अमेजन का लाभ होगा क्योंकि जो है उस पोर्टल का प्रयोग होगा तो उससे भी फायदा होगा, और भारतीय कंपनियों का भी लाभ होगा छोटे छोटे उद्योगों का, क्योंकि वो विश्व भर में अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अमेजन ग्लोबल सेलिंग प्लेटफॉर्म प्रोग्राम से भारत लगभग $2 बिलियन तक कमा चुका है अभी, और $1 बिलियन कमाने में इसे 1 वर्ष लगा था, जबकि अगला $1 बिलियन कमाने में केवल 3 वर्ष लगा था, जबकि अगला $1 बिलियन कमाने में केवल 18 महीने ही लगे थे, यानी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है, ये बात बताई गई इसमें। अगली न्यूज़ है आपका
इंडिगो टू ले ऑफ 2500 एज डिमांड स्टार्स। जो भारत की एक प्राइवेट विमान एजेंसी है, विमान कंपनी है इंडिगो, तो इसने अपने 10% कर्मचारियों को बाहर कर दिया है। इसकी कुल कर्मचारी संख्या 25,000 थी, यानी कि 2500 कर्मचारियों को अभी बाहर कर दिया है, क्योंकि ये घाटे में थी काफ़ी। और मतलब अभी जैसे कोरोना वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से इसका डिमांड कम हो गई थी, तो संभव नहीं था कि इतने कर्मचारियों के साथ इस चीज़ पूरी ऑपरेशन कर सके। तो ये हमने आज की न्यूज आर्टिकल देखा, इसमें बेस्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे हैं, नोबल विजेता कैलाश सत्यार्थी के एनजीओ का क्या नाम है? बचपन बचाओ आंदोलन, क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू, स्नेहालय या भूमि। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कहाँ है? कांडला, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। अंतरिक्ष पर प्रक्षेपण के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? होप प्रोब मिशन यूएई का मंगल ग्रह के लिए मिशन है, जो खाड़ी देश का पहला अंतरिक्ष मिशन है। यह 2021 में मंगल ग्रह पर उतरेगा। इसे जापान के अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र के से प्रक्षेपित किया गया है। इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, एक व दो, दो व तीन, एक व तीन, उपर्युक्त सभी। इन सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी हमारी आज की न्यूज प्रेडिक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।